नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। ओडिशा के चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा नवीन पटनायक सरकार पर निशाना, कहा पटनायक की बीजत सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है, बीजत अस्त हो रहा है और कांग्रेस पस्त हो चुकी है, खुद को बताया भगवान जगन्नाथ का बेटा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप, कहा भाजपा आदिवासी दलित और पिछड़ों से आरक्षण छीनना चाहती है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद आरक्षण की 50% की सीमा खत्म की जाएगी। कांग्रेस इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ के नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस प्रवक्ता पर लगाए शराब ऑफर करने का आरोप, प्रियंका गांधी पर भी कसा तंज। उन्नाव की चुनावी रैली में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद से इनका रिश्ता ऐसा है मानो घर का रिश्ता हो, क्या आप आतंकवाद के समर्थकों को वोट देंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की मंगलवार को होगी वोटिंग, 11 राज्यों की 93 सीटों पर होगी वोटिंग, मध्य प्रदेश में भी शिवराज, दिग्विजय और सिंधिया जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगी जनता। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम की करीबियों पर ईडी की छापामारी कार्रवाई, 33 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद, पीएम मोदी ने कसा तंज, झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे। कुछ आतंकी हमले में शहीद छिंदवाड़ा के वीर सपूत विक्की पहाड़े को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि, कहा कायराना हरकत करने वालों को चुकानी पड़ेगी कीमत, गृहग्राम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। तमिलनाडु में कन्याकुमारी तट के पास 2 महिलाओं सहित 5 मेडिकल कॉलेज के छात्र समुद्र में डूबे, इन छात्रों का मेडिकल का फाइनल ईयर था और कुछ ही सप्ताह में इन्हें डिग्री मिलने वाली थी, ये सभी एक बंद पड़े प्राइवेट बीच पर तैराकी कर रहे थे। सीआईएससी की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित, लड़कियां रही अव्वल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए बोर्ड जारी नहीं करेगा मेरिट लिस्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए झूठ फैलाना भाजपा का ब्लूप्रिंट है, कहा मोदी प्रिंट और डिजिटल मीडिया में विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं लेकिन बंगाल के गरीबों का पैसा रोक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक रैली में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का विरोध किया है, शाह ने कहा कि झारखंड में बरामद नकली साबित करती है कि इंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्ट है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पांडुआ में एक बम विस्फोट में एक किशोर की मौत, 2 अन्य घायल, भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने घटना की एनआईए जांच की मांग करते हुए 2 घंटे से अधिक समय तक एक सड़क को जाम किया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ भारतीय छात्रों के बीच झगड़े के दौरान 22 वर्षीय एमटेक छात्र की चाकू मारकर हत्या, पुलिस इस मामले में भारतीय मूल के ही 2 भाइयों की कर रही तलाश, मृतक छात्र की पहचान नवजीत संधू के रूप में हुई है। अंग्रेजी भाषा की दक्षता से संबंधित परीक्षा टॉफेल के अंक अब सभी ऑस्ट्रेलियाई वीजा संबंधी उद्देश्यों के लिए मान्य होंगे, एक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजों की परीक्षा टॉफेल के पिछले साल जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग द्वारा समीक्षा की गई थी और इसके अंक को फिलहाल स्वीकार नहीं किया जा रहा था। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को हरीश कुमार गुप्ता को आंध्र प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया, आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एमएन हरेधिरा प्रसाद ने बताया कि आयोग ने केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी के स्थान पर गुप्ता को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को अनंतपुर रेंज के डीआईजी आरएन अम्मी रेड्डी का तबादला कर दिया, आयोग ने यह तबादला राज्य में डीजीपी और पुलिस बल के प्रमुख केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी का तबादला करने के 24 घंटे के भीतर किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सोमवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने के कारण 10 से 15 साल की उम्र के 5 नाबालिगों की मौत, पुलिस ने बताया। हादसा जबलपुर जिले के चरगवा पुलिस थाना क्षेत्र के तिरहेता देवरी गांव में हुआ। शेयर बाजार में मामूली तेजी, सेंसेक्स 70 अंक की मामूली बढ़त के साथ 73,896 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी भी 33 अंक टूटकर 22,443 अंक पर बंद हुआ। कॉमेडी शो में मजाक उड़ाए जाने पर भड़के करण जौहर, बोले इंडस्ट्री के लोग ही अपमान करें तो बहुत बुरी बात है, कॉमेडियन केतन सिंह ने की थी करण की मिमिक्री, करण के पोस्ट के बाद मांगी माफी। तारक मेहता शो के एक्टर गुरुचरण सिंह का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग, बीते 15 दिन से लापता है एक्टर, 22 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से अचानक गायब हो गए थे गुरुचरण, पुलिस ने दर्ज किया है किडनैपिंग का केस। वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, विजिट करें वेब दुनिया पर।